तुसी दुखी हो, तुसी भी उजाड़े का सामना किया। उजाड़े कई किस्म के होंगे, सिर के उत्तों छत खोलनी वह भी एक उजाड़ा है, तुहाडे तो बुढ़ापे का सहारा खो लेना वह भी एक उजाड़ा है। सो आप दोवें उजाड़ों तो पीड़ित हाँ। मेरे प्रोग्राम के पहला गल है नहीं सी, मैं कह के उचेचे तौर पर कहा भी मैं शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उन्होंने परिवारों के बैठ के अपने दिल की गल नहीं करती हूँ। सब तो पहले ही मैं शुरुआत ही थोड़े तो करनी चाहता सी, पर मैनू पूरे इलाके बारे भूगोल की जानकारी नहीं है, तो सोच तो नेड़े लगे फिर इस गल उतो शुरू हो गई। ठीक है, कई कब्जे कानून गैर कानून पुराने धराने जो प्रशासन की अंगहलियां करके ला लो, किसी गलती के कारण ही होंगे, परंतु उन्होंने गलतियों सुधारने के तरीके भी होंगे ने। मैं थोनों अपने इलाके की गल दसदा, थोड़े वर्गे हालात साढ़े जिले च भी बने से, जो मुकलों के पिंड है उत्थे भी कोई सरकारी जगह पैन पै गया दो पै गए, कुदरती गल है जो बंदा गरीब बंदा बसता जाता है वह कब्जे होंगे जाते हैं। हाई कोर्ट का हुक्म आया उत्थे भी इन्हों ढा दिता जा रहा। मैं थोनों गल दसदा, कई रब न मनण वाले अफसर होंगे महकमे के बच्चे होंगे, उत्थे एक बीबा जी सके, मैं उन्होंने नाम भुले जाने SDM से सरबजीत कौर, सवेरे उठ के नाम लैन वाला लेडी सी बेचारी, रब दियां दित्तियां खाने वाली, मैं एक पहली अफसर देखे जी आप तनखाह के पिछले दसवंध कटती सी अमृतधारी, उहदी ड्यूटी लगी मकाना नूं ढा दिता जाए। तुसीं देखो हौसला एक अफसर का, वह कहिंदी तुहाडा हुक्म जरूर है पर मैं नहीं ढवाऊंगा, पहला इन्हों का इंतजाम करो, कितने इन्हों शिफ्ट करो कितने, ये कब्जे 24 घंटे तक नहीं हो गए। जानी अफसर ने अपनी पावर अपलाई की, बेशक उन्होंने थोड़ी बहुत ही कुर्बानी कर दी, उसकी ड्यूटी बदल के कितने लाइन पर ला दी, परंतु उन्होंने घट टाइम दो। हरेक अफसर अपनी इन जरूरत नहीं वरतदा, मैं थोनों मैनू उसका घटना का पता से, मैं बीबी जानना, मैं थोड़े को गल कर लग्या नहीं। सारे अफसर ज्यादातर लोग सरकार की जी है चापलूसी के उत्ते हो जाते हैं, जो चीज़ आ गई वो तो एक कदम अगे जाएंगे, पिछे रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता एक गरीब बंदे छत खड़ी करनी कितनी औखी है। सिंपल कमरा पाइए तो लख सवा लख रुपया सही से लग जाता है, तो जो किसी बंदे दे अचानक बिपता पैगी घर ढा के सड़क पर करता तो किवें उन्होंने हालातों के पिछले निकलूगा, जिड़ी गल का कोई माड़ा मोटा चित चेते भी नहीं। सो थोड़े दुख को मैं चंगी तरह समझ सकता, तुम देखा होना 10 एतवार को संबोधन करता, मैं जो भी कितने पब्लिक को संबोधन हूँ मैं अक्सर थोड़ा लतीफपुरे का दर्द बयान करता हूँ, भी बहुत औखा है एक हस्ते पसते घर से तंबू ला के बैठना औखा है बहुत, मैं महसूस कर सकता साढ़े सिर तो छत गई है, मेरे सिर तो मेरा बुढ़ापे का सहारा गया है, मानसिकता साड़ी दो मांग, चलो ठीक है परमात्मा रास्ता बंद किया, उम्मीद करते हैं अरदास करते हैं गुरु के चरणों के शायद खुलेगा भी, और जेड़ी जेड़ी गलती असी 1.5 साल पहला वोटा पा के कर बैठे हैं, पहला गुस्से गुस्से के बीच असी अपने तो इन्ने सते हुए सी कि असी जवाब पास कोई फैसला ले बैठे, यो जे अनजाण बंदियां नूं सत्ता दियां चाबियां सौंप बैठे जिन्हां नूं घर दी कबीलदारी नहीं चलाउणी आउंदी, जिन्हां दे अपने बच्चे विदेशां दे विच सैटल है वह साडे भविष्य दे राखी बन गए। मैं अज पहला प्रोग्राम है मेरा, और केजरीवाल साहब और मेरे मानयोग मुख्यमंत्री अज इस शहर दे विच ने, वो मैं उन्हों का बयान पढ़िया जी असी कातल फड़ लिया, मैं कहना मेरिया दो तीन गल्लां दा जवाब दे दो, जे तुसीं किते चौंक के बिच पब्लिक के सामने मैं टाइम दे दो, वैसे मेरी उकांत नहीं है, मैं एक सधारण व्यक्ति हाँ भी थोड़े मुकाबले दो मुख्यमंत्रियों के बराबर खड़ के मैं बयान दें, पर मैं एक पीड़ित परिवार हाँ, मैं एक दुखी होकर थोड़िया सड़कों पर आया,
जे तुसी मेरिया तीन गल्लां दे जवाब दे दिओ मैं जनता दे सामने माफी मंग के आपके घर नूं मिलूं। झूठ ना बोलो, लोगों ने तुहानू बहुत वड्डा फतवा दिता है, तुहानू बहुत एक रॉयल स्टेट की जिम्मेवारी दिती है, बॉर्डर स्टेट है साडियां, भूगोलिक समाजिक दिल्ली नालों काफ़ी बखरेम है साडी स्टेट का, साडियां समस्यावां साडियां अलग ने, असीं दिल्ली नाल कंपैरिजन नहीं कर सकते साडी स्टेट का, क्योंकि साडा ज़्यादातर हिस्सा बॉर्डर दे नाल लगता है, असीं कुदरती आफतां साडियां वखरियां ने, साडे वाटर लैवल दीआं समस्यां वखरियां, साडे वातावरण दीआं समस्यां उहनां तों वख है, तो सानू दिल्ली दे नाल कंपैरिजन ना कीता जावे, सानू साडियां सब तों वड्डी जिहड़ी समस्या असीं गैंगस्टरवाद दी समस्या दे नाल जूझ रहे हां। साडे लाडले पाले पड़ोसे जदों कारोबार चला के बह जाते हैं, जदों चार पैसे इकट्ठे होण दा भुलेखा पैंदा, उन्हां नूं फरौती आ जाती है, ना देण दे उत्ते उन्हां नूं गोली मार दित्ती जाती है। चाहे तरन तारण का एक कपड़े का व्यापारी गुरजंट हो, चाहे तुहाडे इलाके का टिमी चावला फगवाड़े कोल का हो, की गलती सी इन्हां बच्चों की? गुरजंट ने 20 साल ढाबा चलाया, बेचारे ने चार पैसे इकट्ठे किए, कपड़े की दुकान पाई, उन्हें मार दिता गया। टिमी चावले ने चार पैसे कमाए, कोई VIP नंबर लिया, बच्चे ने अपना शौक पूरा किया, इन्हों पापियों की नज़र के आ गया, वो तो फरौती मंग ली, वो गोली मार दी, नाल गनमैन भी मार दिता गया। मेरे बच्चे ने की गलती की सी? आडे इलाके की शान संदीप संधु नंगलंबिया, वो बच्चे का की कसूर सी? उन्हें कबड्डी के देशों के मशहूर होया, और कबड्डी सुधारा के बाकी ने अपनी मेजर लीग खड़ी की, जो पता लगे बंदे ने तो एक अदारा ही बखरा खड़ा करता, उन्होंने गोलियां मार मार। साड़ी सेम समस्या एक ही है, उस भरा का भी उजड़िया, घर मेरा भी उजड़िया, उन्होंने किसी होर ग्रुप ने मारता, मैं किसी होर ग्रुप ने मारता, साड़ी एक ही है। मेरे पुत ने भी 2-4 किल्लिया के 2 कमर के मकान चो उठ के जाके डिग्री की, विदेशों के जाके जगह बनाई, बैंकों तो लिमिटा बना बना के 20 लाख रुपया इकट्ठा करके कनेडा भेजा, अपने खिते च महारत हासिल की, आपे लिखता सी, आपे गाँवदा सी, अपनी कंपनी खड़ी की। जदों इंडस्ट्री के लोगों को लग्या भी सिद्धू मूसेआ तां 50% इंडस्ट्री वढ के एक पासे लै गया, मेरे पुत नूं पासे रात संदीप के परिवार की इंटरव्यू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मैं उत्थों सुन के मैं पता लग्या गलती जो उन्हें की उही असीं कीती। असी अपने अदारे बड़े कामयाब कर ले सी, इस करके विरोधियों को नहीं पता लग्या, जिहड़े लोग असीं करते सी उन्हां नहीं असीं अखां झड़कन लग गए। मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा, जे साल बाद तुसीं दे रहे दुरुस्त आए, वह बच्चे की तो सुन ली, मैनूं खुशी है इस गल दी। सेम रादा मिलता केस मेरा, मेरी भी सुन लो, मैं भी उस तरह ही जमा जिहड़ी गल तुहाडे साहब है, टिकट मारियां हरेक कोई गल्ला मैं थोनू कहना। मैं दस रहे भगवंत मान साहब भी जिहड़े तुसीं बंदे फड़न की गल करते हो वह केवल शूटर ने, उन्होंने सपारी ली है और मेरे पुत नूं मारता है, सपारी दित्ती की नहीं है, मैं उहदी गल करदा। मेरे पुत का कारोबार किहनूं चुकदा सी, मैं उहदी गल करदा। उस गल ते आ जाओ, जे आए होंदे मैनूं ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। 5 ਸਟੈਂਟ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬੋਲਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ, 14 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਗੋਡੀ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता तेन, परसों मेरी श्रीमती को बैठे सुपना आता है, मां किवें दस सकती है किहड़े पिस्तौल चो गोलियां वज्जी सी पुत तेन, जिन्हें इस उम्मीद के नाल 28 साल
ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਵਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ 27 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੀਣਗੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।